हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2024 के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैं आपको कवर करा रही हूं स्पीडी का सबसे लेटेस्ट एडिशन, और वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम ट्रिक की हेल्प से कवर कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये पूरी कंप्लीट आपको सीरीज में कराऊंगी। सो कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ट्रिक्स की हेल्प से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, हम आज पढ़ेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड और पुलित्जर पुरस्कार 2024। इन सभी को ट्रिक की हेल्प से बहुत आसानी से, मज़ेदार ट्रिक से हम याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना कोई ज़्यादा जो है मेहनत किए आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अवार्ड से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक रहता है। सो अगर आपको याद हो, कल की क्लास में हमने ऑस्कर अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड और कांस फिल्म फेस्टिवल, इन सब के विनर्स को ट्रिक्स की हेल्प से जाना था। आज सबसे पहले हम कवर करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ये 2023 में दिया गया था सबसे लेटेस्ट, इसको ही सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये चार लोगों को दिया गया था। पहले एक बार ओवरव्यू देख लो, देन हम ट्रिक पर जाएंगे। चार लोगों में किन किन को मिला था, तो कोर्बी, रक्षंद, यूजेनियो लेमोस और मरियम कोरोनेल फेरर और डॉक्टर रवि कन्नन आर। आपको देख करके लग रहा होगा यार बड़े टफ से इनके नाम है, कैसे याद हो गए, तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलो करते हैं। ठीक है, इन चारों नामों को याद रखने की ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, रे मन करे ले मौज फेर रवि कन्नन। ठीक है, रवि कन्नन है कोई, वो अपने आप को क्या कह रहा है कि रे मन, अरे मन, है ना, अपने मन को बोल रहा है अरे मन कर ले मौज, क्या कर ले, मौज कर ले, फेर, है ना, फेर मौज कर ले रवि कन्नन, रे मन फेर मौज कर ले रवि कन्नन कह रहा है। रवि कन्नन क्या कह रहा है, रे मन फेर मौज कर ले, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको आगे पीछे, जैसे आपको बढ़िया लगे। ठीक है, अब रे मन से बनेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सबसे पहला वर्ड हमारा आता है करे, करे से बनेगा यहां पर आप देखो कोर। ठीक है, करे कोर, तो कोर रक्षंद ये बांग्लादेश के है, और शिक्षा और गरीबी के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कोर्बी रक्षंद। अगला वर्ड देखो, इसको डिनोट करते हैं, वो सॉरी डिकोड करते हैं, कर ले मौज। ठीक है, कर ले मौज, तो यहां पर आप देख पाओगे मौज से हमने यहां डिनोट किया है ले मौस, है ना, ले मौस, ले मौज, ले मौस। ठीक है, ले मौज, कर ले मौज, तो ले मौज से यहां ले मौस। ठीक है, यूजेनियो ले मौस। अगला है फेर, तो फेर से बनेगा फेरर। ठीक है, फेरर, मरियम कोरोनेल फेरर, और लास्ट है रवि कन्नन, इसको पूरा का पूरा याद रखो। अब हम इसको, इसके किस क्षेत्र में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, किस कार्य के लिए, वो भी देखेंगे। इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रवि कन्नन, क्योंकि ये भारत के हैं। ठीक है, ये भारत के हैं, और इनको समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। एक बार फिर से देखो, फटाफट से अपनी ट्रिक को डिकोड करते हैं। हमारी ट्रिक क्या थी, रेमन, रेमन कर ले मौज फेर। ठीक है, रवि कन्नन, रवि कन्नन कह रहा है रेमन कर ले मौज फेर। ठीक है, तो रेमन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, कर से बनेगा कोर्बी, और ले मौज, क्योंकि एक भी वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साइलेंट भी कोई है क्या, तो इसमें कोई वर्ड साइलेंट नहीं है, सब से कुछ ना कुछ वर्ड बन रहा है, कर से कोर्बी। ठीक है, ले मौज से बनेगा ले मौस, फेर से बनेगा फेरर, और रवि कन्नन से रवि कन्नन। ठीक है, ये भारत के हैं, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जो बांग्लादेश के हैं कोर्बी, इनको शिक्षा और गरीबी के लिए, लेमोस को मिला है कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए, और जो मरियम फेरर है ये फिलीपींस की हैं, इनको युद्ध विवादों को सुलझाने के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया, चलो
आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं जो कि है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड विनर 2024, ये हम कवर करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, एक बार पहले ये देख लेते हैं कि किस किस को मिला, देन हम अपनी ट्रिक पर चलेंगे। तो ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार एक एल्बम को मिला जो कि एल्बम ऑफ द ईयर चुनी गई, जिसका नाम है मिडनाइट। क्या नाम है? मिडनाइट एल्बम ऑफ द ईयर चुनी गई। इसके साथ ही भारत में किसको दिया गया ग्रैमी पुरस्कार? तो भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड जिसका नाम था शक्ति, इसको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब इसने जीता है, इस एल्बम ने, ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया व्हाट वाज आई मेड फॉर। इसको व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको और कौन सा अवार्ड मिला इस सॉन्ग को, आप जरूर बताओ, क्योंकि कल की क्लास में हमने जाना था। अगर आपने ध्यान है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। साथ ही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये मिला फ्लावर्स को। किसको? फ्लावर्स को। तो चलो जी, इसको तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से, एक ही चीज़ से सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा इतने इजी से। सबसे पहले ये समझो कि ग्रैमी पुरस्कार को हम याद करेंगे गर्मी से, ठीक है, ग्रैमी से गर्मी, ठीक है जी। अब गर्मियों के दिनों में आप लोग सभी जानते हैं कि जब लाइट चली जाती है तो है ना, देर रात तक सभी जगे होते हैं, लाइट का इंतजार करते हैं, मिडनाइट तक सभी जगे हुए होते हैं, ठीक है। और जब सभी जगे हुए होते हैं मिडनाइट तक, तो वे क्या देखने लगते हैं? भैया अपनी पुरानी एल्बम देखने लगते हैं, है ना। रात को बैठ के सभी मिडनाइट में एल्बम देखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही है, नींद तो आ नहीं रही, तो मिडनाइट में बैठ के क्या देख रहे हैं? अपनी एल्बम देख रहे हैं, ठीक है, फोटोज देख रहे हैं, पुरानी एल्बम देख रहे हैं। याद हुआ इतना। चलो आगे देखते हैं। अब भाई एल्बम देख के थक गए तो फिर क्या करेंगे? शंकर जी के, महादेव जी के जाकर क्या बजा देंगे? भजन बजा देंगे, ठीक है। जाकर क्या करते हैं फिर, जब एल्बम देख ली तो जाकर शंकर और शक्ति, या महादेव और शक्ति, जो कि शंकर जी की वाइफ है शक्ति, है ना, शक्ति माता, तो शंकर और शक्ति के भजन चला देते हैं, है ना, इनका संगीत चला देते हैं। हमने एल्बम देख ली मिडनाइट में एल्बम देखने के बाद जब हम थक गए तो हमने क्या किया? जाकर शंकर और शक्ति के भजन चलाए हमने, ठीक है। तो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन की जो फ्यूजन बैंड है, इसका क्या नाम है? शक्ति है। याद हुआ। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको चुना जाएगा? तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, तो आपको वहीं से याद हो जाएगा। इसको ऑस्कर अवार्ड और इसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड दोनों इसी सॉन्ग को मिले। सॉन्ग की बात हमने दो ही अवार्ड्स में बात करी है, एक तो ऑस्कर अवार्ड में और ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है, तो दोनों में इसी को मिला है। लास्ट बचता है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो फ्लावर्स। आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इतने ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, रिकॉर्ड तोड़ फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, थीके? पूरे ईयर का रिकॉर्ड टूट जाता है गर्मियों में जब इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। सो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूरे ईयर का रिकॉर्ड बन जाता है जब इतने सारे फ्लावर्स आते हैं। याद हो गया कि भैया मिडनाइट में बैठकर गर्मी में हम क्या देखते हैं? एल्बम देखते हैं, है ना, फिर जाकर के शंकर और शक्ति के भजन चला देते हैं, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर आई मेड फॉर, है ना, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, भैया रिकॉर्ड टूट जाता है गर्मियों में फ्लावर्स का, तो ग्रैमी अवार्ड फ्लावर्स को दिया गया। क्लियर हो गया। चलो जी, लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपना। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, कौन कौन से? ग्रैमी अवार्ड, और दूसरा हमने कौन सा कवर किया, जल्दी से बताओ। दूसरा हमने कवर किया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद हो गए, लिख लेना ट्रिक अगर आप चाहो तो, नहीं तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना एग्जाम के बिल्कुल एकदम पहले। पुलित्जर पुरस्कार 2024, पुलित्जर पुरस्कार 2024, इसको अब हम कवर करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें एक अच्छी बात यह है कि पुलित्जर जो पुरस्कार है ना, ये खास करके जो रिपोर्टिंग फील्ड होती है, या न्यूज़ आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, न्यूज़ चैनल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर उनको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है।
जो कोई सबसे अच्छी खबर छापता है बिना बायस्ड हुए, है ना, उनको मिलता है। चलो जी, तो देखते हैं। अब अच्छी बात मैंने आपको क्या बताई कि ज्यादातर सारे ये इसी फील्ड से आपको देखने को मिल जाएंगे, फोटोग्राफी, रिपोर्टिंग, है ना, संपादकीय, इन सब कामों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो पिछले जितने अवार्ड है उन सबसे अलग ये मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर पब्लिक सॉरी हाँ पब्लिका को, ठीक है, प्रो पब्लिका को लोक सेवा जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया लोक सेवा की फील्ड में, ठीक है। अब भैया लोक की सेवा करनी है, पूरे लोक की सेवा करनी है, तो लोक में रहते कौन है भैया? पब्लिक रहती है ना। लोक सेवा का मतलब पब्लिक की सेवा, लोक सेवा का मतलब पब्लिक की सेवा। तो लोक सेवा किसको मिला? पब्लिका को। याद हो गया इतना। अगला देखो, खोजी रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग खोजी रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया हेन्ना ड्रेयर को, ठीक है, हेन्ना ड्रेयर को, द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये काम करती है। अब देखो, जो ऐसा रिपोर्टर होगा जो बहुत ही खोजी प्रवृत्ति वाला होगा, नई नई खबरें खोजना, उसकी तह तक जाने का काम करता होगा, तो ऐसे रिपोर्टर को हम पुलित्जर पुरस्कार तो देंगे ही, साथ ही उसको ये भी टैग देंगे कि ये तो बहुत डेयरिंग है ना, बहुत डेयर दिखाता है भैया, हिम्मत वाला है, डेयरिंग है ये रिपोर्टर। तो क्यों? क्योंकि खोज करता है भैया, नई नई खोज करता है, तो डेयरिंग वाला इंसान ही जिसके अंदर डेयर करने की हिम्मत हो, है ना, डेयर कर सके, वही खोजी प्रवृत्ति का होता है ना। तो खोजी रिपोर्टिंग किसको मिला? हन्ना डेयर को, ड्रेयर को। नेक्स्ट है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन इसमें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया डेविड ई हाफमैन को, ठीक है, डेविड ई हाफमैन को। अब देखो भैया, संपादकीय लेखन यानी लेखन के लिए, है ना, सबसे बेस्ट लेखन चुना गया जिसको पुलित्जर पुरस्कार मिला, हाफमैन। अब किसी ने हाफ मैन के बारे में लिखा पहली बार, इससे पहले कभी हाफ मैन के बारे में नहीं लिखा था, यानी आधा इंसान, है ना, आधा आदमी, इसको आप ऐसे समझो कि हाफ मैन के बारे में लिखा पहली बार, तो जाहिर सी बात है सबसे अलग हट के कॉन्सेप्ट था कि भैया हाफ मैन के बारे में लिखना इंटरेस्टिंग था, तो इसी को मिलेगा संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया। कैसे याद रखेंगे भैया? देखो, रिपोर्टिंग और न्यूज़ वगैरह से संबंधित है, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया पुलित्जर पुरस्कार की बात होगी इसमें, ठीक है। तो देखो, आजकल के, है ना, जो न्यू न्यू कर्मचारी आ रहे हैं, न्यू टाइम के कर्मचारी आ रहे हैं, यानी आज के समय में नए समय के, है ना, नए समय मतलब न्यू टाइम, नए समय के जो कर्मचारी आजकल आ रहे हैं इस फील्ड में, तो वो अपने आप को सिर्फ नेशनल खबरों तक सीमित के नहीं रखते, जहां भी खबर मिलेगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं। कौन? जो न्यू टाइम के कर्मचारी है ना, आज के समय के, नए समय के, न्यू टाइम के कर्मचारी है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब जगह रिपोर्टिंग करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ऑडियो रिपोर्टिंग। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया इनविजिबले इंस्टीट्यूट व यूएजी ऑडियो स्टाफ को, ठीक है। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि भैया ऑडियो स्टाफ की बात हो रही है, तो ऑडियो का क्या बोलते हैं उसको, अवार्ड जो है इन्हीं को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब ये वाला नाम भी याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे आप ही बताओ, क्या ऑडियो को आप देख सकते हो? क्या ऑडियो विजिबल है? नहीं ना। ऑडियो कैसी होती है भैया? इनविजिबल होती है, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, विजिबल नहीं होती। कैसी होती है ऑडियो? ऑडियो होती है इनविजिबल। ऑडियो कैसी होती है? इनविजिबल होती है। तो इनविजिबले को और ऑडियो स्टाफ को मिला ऑडियो रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार। याद हो गया बढ़िया तरीके से, अच्छे से, ठीक है। कहीं से हम अलग लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, अगर मैं किसी अलग वर्ड से इसको रिलेट करके छोड़ दूँ, कोई लंबी चौड़ी कहानी बना दूँ, तो आपको याद नहीं आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट करवा दिया, तो बहुत इजीली आप सारे ऑप्शंस में से आप छांट लोगे सही आंसर को, ठीक है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करते हुए चले साथ के साथ, और अपना सपोर्ट दिखाए अपने सभी दोस्तों को शेयर करके। चलिए,
चलिए आगे देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया रिटायर्ड समाचार एजेंसी की फोटोग्राफ टीम को। ठीक है, अब भैया देखो, जो एक बार इस फील्ड में काम कर लेता है ना, रिपोर्टिंग की, है ना, रिपोर्टिंग की, फोटोग्राफी की, वो फिर इस काम को छोड़ नहीं पाता, भले ही वो रिटायर हो जाए। क्या हो जाए? भले ही वो रिटायर हो जाए, ब्रेक ले ले, फिर भी वो क्या नहीं छोड़ता, रिपोर्टिंग करना, है ना, न्यूज़ सुनाना नहीं छोड़ता, वो घर में सुनाने लगता है, है ना। अगर इसी फील्ड से रिटायर हुआ है तो वो रिटायर होने के बाद समाचार कहाँ, घर में सुनाने लगता है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, है ना, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को सुनाएगा वो रिटायर होने के बाद भी समाचार, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। अगला है फीचर फोटोग्राफी, ये दिया गया है एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को, फीचर फोटोग्राफी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ एसोसिएट यानी जोड़ना, सम्मिलित करना, एसोसिएट करना, ठीक है, एसोसिएट करना। कैसे याद रखें अब इसकी ट्रिक समझो। देखो आजकल क्या हो रहा है, फोटोग्राफी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स को एसोसिएट किया जा रहा है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, जो कंज्यूमर्स है या फिर आप कह लो जो व्यूअर्स है ना, वो बंद जाए बिल्कुल स्क्रीन से। ऐसे ऐसे फीचर्स जो है फोटोग्राफी में ऐड किए जा रहे हैं, एसोसिएट किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे फीचर्स फोटोग्राफी में एसोसिएट किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है जब देखने बैठे ना तो बंद जाए बिल्कुल स्क्रीन से। याद हो गया कैसे कैसे फीचर्स फोटोग्राफी में एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है, याद हुआ। तो लोक सेवा में प्रो पब्लिका को मिला पुलित्जर पुरस्कार, खोजी रिपोर्टिंग में डेयर को मिला, संपादकीय लेखन में किसको मिला, भैया किसके ऊपर लेख लिखा था, हाफमैन के ऊपर। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिपोर्टिंग करने कौन चले जाते हैं, न्यू टाइम के कर्मचारी चले जाते हैं। ऑडियो रिपोर्टिंग कैसी होती है, इनविजिबल होती है, ऑडियो की फॉर्म में होती है। ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सुनाने लगते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद, ठीक है। फीचर्स कैसे कैसे फोटोग्राफी में एसोसिएट किए जाते हैं, याद हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहीं तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं क्योंकि हमने तीनों टॉपिक जो हमने आज डिसाइड किए थे उनको कंप्लीट कर लिया है। बाकी वीडियोस भी आप इसी सीरीज की नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पिन किया है, वहां जाकर के आप इजिली उनको देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मैम अच्छी लगी है वीडियो, समझ आई है, सारी चीज़ें हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे जितने टॉपिक्स बाकी है इनको कवर करते ही हम जो MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी ट्रिक से फटाफट कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।